और लेजेंड्स को देखते हुए अचानक कारी साहब ये देखें कारी साहब की फैंस। अस्सलाम वालेकुम लड़कों लड़कियों अंकलों और आंटियों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक। अगर आप ठीक ठाक नहीं हुए तो भी कौन सा हॉस्पिटल मुझे बने देन। आज का कुछ सीन ये है, मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई मेरे फ्रेंड की कि यार एक दावत है खानी है। और आपको पता है जुम्मे वाले दिन मस्जिद के बाहर चप्पलें और फ्री की दावत तो हम छोड़ते ही नहीं। तो सीन अब कुछ ऐसा होगा कि उसके घर हम जाएंगे और दावत उसकी खाएंगे और क्या करेंगे, मजबूरी है खानी पड़ती है, तो चलें खाते हैं। ऐसा हुआ था, हम मुश्तबा के घर गए, कल था ना यार शायद, तो हम कल मुश्तबा के घर पहुंचे तो वहाँ पे कुछ सीन ऐसा था, हमने दरवाज़ा खटखटाया और जनाब बाहर आए और जनाब ने कुछ इरशाद फरमाया, तो वो सुन लीजिएगा। और ये हाजी मुश्तबा सर 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 वेलकम वेलकम। ये इश्क में पागल हो गया है ये इश्क में पागल लड़का आप देखते हुए भाई इश्क में पागल ही, सुबह से नाश्ता नहीं किया भाई, मौसम की दावत के लिए। तो हमें जैसे ही पता चला कि साहब ने नाश्ता ही नहीं किया हमारी वजह से, तो हमने कहा पहले खाना खाते हैं देन चिल करते हैं यार। और जनाब मुज्तबा का जो खाना खाने का स्टाइल है एंड लेवल, आप पूरी दुनिया घूम के ऐसा आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। खाना खाने का स्टाइल ये कोई इनसे सीखे और मुतबा से बोला नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं यार इतनी लजीज बिरयानी है मैंने आज तक नहीं खाई। प्लेट और इसका बेलचा लगते हुए आप एक गुड पेप्सी का लगाएं प्लीज, और ये सुर करके गुड। तो जनाब हम भी गए थे वहां पे दावत मनाने, तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता था कि हम भी कुछ खाएं पिएं, तो हमने बस चार पांच घूंट कोका कोला के लगा लिए। और ये मैं आपको बताता चलूं पेप्सी पीते हुए भाई ये मुश्तबा मुझे पेप्सी लगा के देते हुए, सर जी थैंक यू सो मच। तीन घूंट ऐसे होने चाहिए दोस्त यार, यार थैंक यू सो मच आपने हमारी दावत की। आपको आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं भाई कुछ। अब हम गए तो वहाँ पे एंजॉय की नियत से थे, तो खाना खाना और थोड़ी मजाक मस्ती इसको एंजॉय देखो, थोड़ा गेम शेम हो जाए तो असली एंजॉय बोलते हैं उसको। तो हमने थोड़ा दिमाग लड़ाया और कैरम बोर्ड ले आए, कैरम बोर्ड पे जो बाजी चली छोड़ ही दे आप। हाजी साहब कारी साहब जुमा नमाज पढ़ के फिर आके जब कैरम बोर्ड पे बैठते हैं तो उनका लक एकदम खुल ही जाता है, देख सकते हैं आप लोग। हम आपको बताते चले कि हर ग्रुप में एक ऐसा बच्चा या बच्ची होती है जो अपने बच्चे या बच्ची के साथ चिपकी रहती है, तो हमारे ग्रुप में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा है जो हर वक्त 24/7 अपनी बच्ची के साथ चपड़ 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 करता रहता है, बातें पता नहीं क्या करते वो, अल्लाह माफ करे हमारी ऐसी आदत भी नहीं है। नहीं 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 वो हमारा माइंड ही नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी है उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, नो नो नो, पर करता रहता है। और ये बच्चा अपनी बच्ची से अभी तक बात करते हुए हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सारा दिन सोफे तोड़ते रहते हैं। वो कैसे
ये मस्त चला है टीवी और ये हम गए लेट और सारा दिन सब टीवी देखते रहते हैं। तो हमारे अंदर कभी कभी ऐसा जुनून चढ़ता है कि यार हम भी इनके कुछ डायलॉग बोल लें। तो हमने उनमें से कुछ जस्ट गुरूर नहीं किया हमने पर एक डायलॉग बोला है जीजा जी छप्पे हैं उनमें से, तो वो आप मुलायजा फरमाएं। इलायची अंजू ऐसे नहीं पिंकी जी पूछ रहे। तो जनाब जब भी हम में से किसी नॉर्मल इंसान का ब्रेकअप होता है तो वो कुछ सोच लेता है, ठान लेता है। कोई सोचता है मैं बॉडी बनाऊंगा, कोई सोचता है मैं करियर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बस हमारे जो काली साहब हैं उनके कुछ अलग ही विचार हैं, अलग ही थिंकिंग है। उनका जब ब्रेकअप हुआ उनसे हमने पूछा यार आपका ब्रेकअप हुआ है अब क्या करने का इरादा है, तो उनसे सुन ले वो क्या कहते हैं। भाई मुश्ताबा आपका ब्रेकअप होने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त ही ऐसा कमीना निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। नहीं आपको क्या लगा कि आपके बर्बादी में दिसंबर का हाथ था? नहीं सारे पूरे साल का हाथ था, फिर दिसंबर ने कोई कुछ किया। अब आगे का क्या प्लान है, आपको क्या करना है? आगे का ये हाथ की लकीरें हैं जो मिट रही हैं, बस यही हाथ है। कम यूज किया करेगा? अल्लाह का शुक्र है शैम्पू यूज लिया है। कारी साहब स्नैपचैट पे बच्चियों के साथ बातें करते हुए, ये देखें कारी साहब की फैंस देखें ये कैसे शो में आई हैं। ये कारी साहब के फैंस और आपको हम बता देते हैं कारी साहब एक शख्स नहीं है, कारी साहब इमोशन है। हम इसी तरह मिलते हैं हमजा कारी साहब मिलते हुए। तो जनाब हम घर में एक जगह बैठ के बोर हो गए थे तो हमने कुछ ठान ली, और जब हम कुछ ठान ले तो मतलब बिल्कुल नहीं होता पर इस बार हुआ। वही तो गेम है, सीन्स कुछ ऐसे हैं किसी के तो ऐसे। तो हमने कुछ ठान ली के राहुल लगा के आते भाई और ये हम निकले। मैं निकल वापस घर में हमने अपना पहला कदम रखा तो हमें कुछ दो नमूने देखने को मिले, एक मुज्तबा का भाई, दूसरा मुज्तबा के दोस्त का बेटा। उनसे हमने थोड़ी वार्तालाप की, अगर आप सुनना चाहें, आप क्या सुनना चाहेंगे, हम जो सुनाएंगे आप वही सुनेंगे, तो सुन लीजिए। खड़े किना बता ओ चलो चलो गेम खेले, चलो गेम खेलो, गेम खेलो। ये आयान बेटा, आयान हाय बोलो। हाय पब्लिक। और लेजेंड्स को देखते हुए अचानक कारी साहब। तो जैसे माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे, वैसे ही सेम एज टू एज कारी साहब भी यही चाहते हैं कि मेरे किसी बच्चे की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। तो हम वहाँ पर बैठे थे, ऐसे अचानक कारी साहब के दो बच्चे आ गए, उन्होंने एक फरमाइश की, यार कारी साहब अगर हमें पिंक चाय पीने को मिल जाता। कारी साहब 125 की स्पीड से किचन में गए और 10 मिनट के अंदर ऐसी मजेदार पीली चाय बना के लेके आए जिसे हम कश्मीरी चाय भी कहते हैं, और बस बच्चे पीते रहे, कारी साहब खुश होते रहे। देख लीजिए कारी साहब की जुबानी सुन लीजिए। कारी साहब आपके हमजाओं के लिए पिंक चाय लेके आए, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग बहुत सैड है क्योंकि मेरे हमजा जो है मम्मी डैडी बच्चे उनकी चाय भी पिंक है, रोशनी डाले हैं इस पर, ये आप देख सकते हैं, और इसमें ये जो बादाम डाले हुए हैं पिस्तों के साथ। नहीं ये दुख मुझे नहीं हो रहा, ऐसा सेम दुख हुआ था कारी साहब को जब उनके बच्चे यानी कि मेरे फ्रेंड्स हम वापस घर जा रहे थे। तो जैसे ही हमने कारी साहब को कहा ठीक है अब अल्लाह हाफिज़ हम जा रहे हैं वापस, तो कारी साहब उनको एकदम देवदास वाली फीलिंग आ गई और उन्होंने दुख में कुछ जुमले अर्ज कर दिए, सुनने तो पड़ेंगे। दुख के बराबर के शरीके भाई, आप भी हम भी। ये कारी साहब बहुत दुखी हो चुके हैं क्योंकि उनके हमजाज जा रहे हैं, हमजाज जा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है मुझे क्योंकि ये रात को खिलाड़ी बहुत दुख हो।
चलो अल्लाह मालिक है, अगली बार आपके हमजाज आ जाएंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तो यार कुछ इरशाद है, ये हमारा था पहला ग्रुप, तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी हैं और मैंने नोटिस किया, बट यार वही माँ के पेट से परफेक्शन नहीं निकला, गलती सबसे होती है। देख लीजिए सबके वालिदैन ने कुछ ना कुछ गलती की उसकी वजह से, तो आप पर हमें ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे आपको, तो इन गलतियों को लीव करें, आगे देखेंगे आगे गलतियाँ, हम कोशिश करेंगे कि ना हो।